हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इजी पे पेमेंट्स के बारे में। तो इजी पे पेमेंट्स में क्या है, कैसे काम होता है? तो ये एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको APS, मनी ट्रांसफ़र, सब कुछ ऑल सर्विसेज देती है। यहाँ पर वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, आप जो भी काम करोगे इसमें आपको कमीशन मिलता है। तो जो मेरे रिटेलर जुड़े हुए हैं, तो बहुत से रिटेलरों ने सीज़र पे का आईडी ले रखा है, तो मैं उनसे बोलूँगा अगर आप APS चलाना चाहते हो, सीज़र पे में अभी पता नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है मगर उसमें आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे अभी चाहिए APS सर्विस, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और जो कि इजी पे का आईडी लेते हैं। ये इजी पे पेमेंट है, एक है इजी पे, एक होता है इजी पे, दो कंपनियां हैं, एक इजी पे है, एक इजी पे पेमेंट। तो आपको इन दोनों में से बेनिफिट किस में है? बेनिफिट तो इजी पे पेमेंट्स में ही है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा कैसे आपको क्या करना है। तो जो भी बंदा सीज़र पे का आईडी ले रखा है मुझसे, अगर वो चाहते हैं मुझे APS वगैरह चलाना है, तो आप 90 रुपीज़ मुझे सेंड करके, 99 रुपये का एक पेमेंट आप मुझे ऑनलाइन करके आप आईडी एक्टिव करवा सकते हो। तो इसमें आपको क्या होता है, और जो कंपनियां हैं जैसे कि पेनियर बाय, रोनट, और भी रीपे, इजी पे, स्पाइस मनी, तो इनमें क्या होता है, जो आप आईडी लेते हैं जब आप APS सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है, यहाँ पर आपको बस वन टाइम एक पेमेंट करना है, मुझे करना है वो भी, और किसी को नहीं, वन टाइम बस एक ही पेमेंट करना है। वो पेमेंट जैसे ही आप मुझे कर दोगे, तुरंत ही आपका APS वगैरह सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, तुरंत 12 घंटे के अंदर आपका सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। और जिस बंदे को नहीं चाहिए APS वगैरह, वो बंदा भी लेके अच्छा खासा यहाँ से भी अर्निंग कर सकता है। तो सीज़र पे और इसका कमीशन दोनों अगर लगाएं तो सेम ही है, मगर इसमें आपको क्या होता है, कुछ सर्विसेज ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल वाइज आपको कैसे क्या करना है। तो चलते हैं और अपने स्क्रीन में जाके आपको दिखाते हैं। और भाई जो भी इस आईडी को लेते हैं इजी पे पेमेंट्स के आईडी को, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो OTP है वो ईमेल पे और व्हाट्सएप पे सेंड किया जाता है, डायरेक्ट नंबर पे नहीं होता है। तो ख़ास करके ये ध्यान रखना, आपके उस नंबर पर व्हाट्सएप चालू रहना चाहिए, वरना आप आईडी नहीं ले पाओगे। तो अभी सर्विसेस नहीं आया है, यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं कितने देर में आता है सर्विस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर सर्विस आ गया सारा, यहाँ पर आप देख सकते हो हर जो इम्पोर्टेंट सर्विस हैं, जैसे APS, मनी ट्रांसफ़र, DMT, माइक्रो ATM अभी नहीं आया है, माइक्रो ATM आ जाएगा, और यहाँ पर पे टू वॉलेट भी आप कर सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफ़र, और यहाँ पर वॉलेट ट्रांसफ़र का कुछ चार्ज वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको देख लेना। तो बाकी जिसको आईडी चाहिए आईडी हमसे ले सकता है, और यहाँ से ही आप दूसरी कोई कंपनी क्या करती है, आपको कमीशन दिखाती नहीं है, तो यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड कमीशन दिखाई देता है। तो जैसे कि मैं जियो का खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कमीशन का जो पॉइंट वगैरह है आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है, कंपनी आपसे छुपा कर कोई काम नहीं कर रही है, जो भी है आपके सामने। जैसे गैस बुकिंग में चलते हैं, गैस बुकिंग में ज़ीरो है, गैस बुकिंग का कोई सा कंपनी भी कमीशन नहीं देती है, तो इलेक्ट्रिक बिल का भी कोई कंपनी कमीशन नहीं देती है कोई, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल का भी कमीशन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.15% का कमीशन मिल रहा है, बाकी और कंपनियों में नहीं मिलता है इलेक्ट्रिक बिल का। तो मैं इतना आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक बिल जमा करने का कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर
0.15 का आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये इससे बढ़िया और क्या है। तो इसमें आप NSDL की सर्विस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, NSDL UTI दोनों हैं, और ये आप लैपटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में भी, दोनों में चल जाएगा। और सीधे पे भी लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों में चलता है, इजी पे भी दोनों में चलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ कुछ यूनिक सर्विसेज हैं इसमें जो और किसी के पास नहीं है और किसी कंपनी में नहीं है। जैसे कि यहाँ से आप रिडीम बना सकते हैं, रिडीम कोड बना सकते हैं यहाँ से कितने का भी हो, और यहाँ पर आप मेट्रो मेट्रो पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रो पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरह का आपको सर्विस मिल जाता है, जैसे कि जो पब्लिक को चाहिए यहाँ पर ऐसे सर्विस अवेलेबल यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ पर लोन का भी 0.5 का आपका कमीशन है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बस एक सर्विस देख लिया तो उसका वही कमीशन है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी आप देख रहे हो या अलग अलग जो सर्विसेज हैं उसके अलग अलग ही कमीशन होते हैं सबके, ये नहीं है कि इसमें आपको फास्टैग भी मिल जाता है, फास्टैग का भी आपको कमीशन मिलता है यहाँ पर। फास्टैग का और कोई कंपनी कमीशन नहीं देती है। तो आप यहाँ देख सकते हो हर मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलना ही है आपको, जैसे और बैंक और मतलब और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो नहीं देती है, यहाँ से आपको मिल जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और किस किस को आईडी चाहिए, आईडी लेने के लिए मुझे तुरंत कॉल करें, आईडी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको जैसे ही आप वीडियो देख के या आईडी लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपको कहीं पे भी मतलब भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई भी ऐसा दिमाग में ऐसा चीज़ नहीं लेना है कि भाई हम पेमेंट कर देंगे तो आप हमें आईडी दोगे या नहीं दोगे। तो भाई मैं बता दूं, पहले हम आईडी ही बनाते थे, आईडी बनाने के बाद ही पेमेंट लेते थे, मगर अब क्या हो गया है, मैंने कई बंदों को ऐसे बंदों को मैंने आईडी दे दिया है, देने के बाद वो पैसा नहीं देते हैं। तो इसलिए हमको अब क्या करें, अपना भी काम है ये, करने के लिए पैसे लेना पड़ता है। तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो हम पैसे लेके भाग जाएंगे, भाई मैं भी एक मज़दूर हूँ, आपके पैसे लेके मैं क्या करूँगा बता, कौन से 100 रुपये आपका खा के मैं अमीर थोड़ी बन जाऊँगा। तो इतना मैं बता रहा हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, भरोसा रख के मेरे साथ काम करिए, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और क्या बोले, और जिस किसी को भी वीडियो पसंद आया हो या किसी को आईडी चाहिए हो या किसी आपके दोस्त बंधु किसी को अगर शॉप खोल रहा है या शॉप खोलने की प्लानिंग है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिनो पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में उतना वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो CSP पॉइंट के बारे में मैं उतना वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि CSP पॉइंट में पैसे ज़्यादा लगते हैं। और जैसे ही अब वहाँ पर जैसे आप CSP पॉइंट लोगे फिनो बैंक का, तो वहाँ पे 3200 2300 रुपये का आपका चार्ज लगता है। ATM सुमित, ATM का एक डिवाइस मिलता है, डिवाइस सुमित ही आपको आईडी मिलता है। तो जैसे ही मैं आपको बोलूँगा भाई 3200 रुपये लगेगा, तो कोई भी बंदा घबरा जाएगा, फिर वो सोचेगा यार आईडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में मैं ऐसा वीडियो बनाता ही नहीं हूँ जो बनाने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाओ या मुझे भी कंफ्यूजन में रहना पड़े। तो बस यही सिंपल सी बात है, इसलिए मैं फिनो बैंक के बारे में कोई भी CSP के बारे में उतना वीडियो नहीं बनाता। तो भाई आईडी जिसको भी चाहिए तुरंत कॉल करो मुझे, मैं तुरंत ही आपका आईडी एक्टिव कर दूंगा तुरंत। अगर मैं दिन में नहीं कर पाऊँ तो रात के 10 बजे तक आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी जाने के बाद ही घर पे आने के बाद सारा जो भी व्हाट्सएप वगैरह आता है उसके बाद मैं सब सब कुछ देख के अपना काम करता हूँ। तो भाई यहाँ पर जिस किसी को आईडी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो या
इजी पे पेमेंट की आईडी चाहिए या सीजर पे की चाहिए या इजी पे की चाहिए, उस तरह से आप लिख के भेज देना मुझे, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब बहुत से बंदे क्या हो, मुझे आईडी चाहिए, भाई कौन सी आईडी चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी का नाम लिख के भेज दोगे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और किसी